मोस्टली वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, चीता, लायंस, लेपर्ड्स, सब लोग उसका मारते हुए पिक्चर निकालते हैं कि इसने इसको मार डाला, उस खा गया. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनका इमोशंस, जैसे हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम खुश होते हैं, हम जेलस होते हैं, हमको प्यार होता है, हम डांस करते हैं, बरोबर ऐसे ही वो करते हैं. तो उनका वो एक्सप्रेशंस मैंने अपने फ़ोटोग्राफ्स में लिए हैं. मैं फ़ोटोग्राफी में ऐसा मानता हूँ कि मैं स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही हूँ अभी तक. मेरे को बहुत कुछ सीखना है और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही रहना चाहता हूँ. मैं ये समझता हूँ कि फ़ोटोग्राफी सीखने के बाद मेरे में बहुत सारी पेशेंस आई. पहले मैं बहुत इम्पेशेंट था. अभी एक एक पिक्चर के लिए मेरे को घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है, 4 घंटा 5 घंटा. तो पेशेंस के साथ पेशेंस रखना मैं फ़ोटोग्राफी से सीख गया. क्या बात है, आज की जो युवा पीढ़ी, अभी क्या हो गया है कि हर कोई जिसके पास मोबाइल होता है या कैमरा रहता है वो अपने आप को फ़ोटोग्राफ़र समझता है. उसको कंपोजिशन का कुछ नहीं मालूम, उसको टेक्निक का कुछ नहीं मालूम, और सबसे बड़ा सेल्फी का रोग लगा है सबको. सब अपना पिक्चर फेसबुक पे रखा, 100 लाइक्स मिला तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र है. ऐसा फ़ोटोग्राफी नहीं किया जाता है. फ़ोटोग्राफी की टेक्निक सिखाई जाती है और वो टेक्निक हमें, ये फ़ोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये सबसे भारत देश में सबसे जूनी सोसाइटी है. 1937 में चालू हुई. हम ये क्लासेस हर वीक में 3 बार 6 से 8 बजे तक, मिस्टर रोहिंगटन मेहता करके एक टीचर है, बहुत इंडिया के बहुत सुप्रसिद्ध टीचर है, वो फ़ोटोग्राफी सिखाते हैं खाली 7,500 रुपया में. पूरा इंडिया में इतना सस्ता फ़ोटोग्राफी सर्टिफाइड कोर्स कोई नहीं सिखाता. हमारी फ़ोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में ये क्लास पूरा साल चलता है. हमारा वेबसाइट पे हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरे और आ जावे. पहले एक मेंबरशिप, नॉन लाइफ मेंबर बने, है ना, और फिर कहेंगे कि हम जैसे हमें हमारी फैमिली वैल्यूज़ रहती है, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स की भी फैमिली वैल्यूज़ रहती है. उसको अगर हर्ट करना है तो 1000 बार सोचे कि वो हर्ट ना करे एनिमल्स को. उनका भी फैमिलीज रहता है, उनको भी अपने जैसी फीलिंग रहती है. बोथ द प्रोफेशंस आर क्वाइट सिमिलर, यू नो, इन दैट वे कि बोथ प्रोफेशन रिक्वायर लॉट्स ऑफ पेशेंस. इवन विद द पेशेंट आई रिक्वायर लॉट्स ऑफ पेशेंस टू ट्रीट हिम मेनी टाइम्स, एंड आई फील 80% ऑफ माई पेशेंट्स हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंड इफ यू हैव पेशेंस इन ट्रीटिंग दैम, सो दैट फोटोग्राफी टॉट मी हाउ टू हैव पेशेंस इन treating the patient. The of this society is to teach photography to every person who is interested in photography, to teach the technique of photography, to teach how to edit a picture after clicking a picture, and how to publish a picture. Society of India has its own website. You can become a member online, or you can come here and become a member, and then we can take it over. And the last question, what would be the message you would like to convey to the viewers regarding the society, the photography, any person? I'd like to tell them that even the wild animals have feelings like human beings, so don't hurt them. Thank you so much. Thank you.